जो बहुत ज़्यादा काले लोग हैं उनमें ये जो चिकित्से हैं ये अक्सर ब्राउन कलर के होते हैं, और जो बहुत फेयर हैं उनमें ये रेड कलर के देखे गए हैं। अगर एक पर्सन को फंगल इन्फेक्शन किसी कारण हो भी जाती है तो उनकी जो पूरी फैमिली जो है देखी गई है कि वो इन्वॉल्व हो जाती है। बार बार ऑइंटमेंट को लगाने के बाद जो है स्किन पतली होती जाती है। इस तरह से हम आयुर्वेद को अपनाकर इस बीमारी से जो है बिल्कुल निजात पा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन ज्योति, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा लुधियाना से। दाद, खाज, खुजली, ये टॉपिक है जो कि जिसके बारे में आज मैंने बात करनी है। दाद एक ऐसा लक्षण है शरीर पर जो है चिकत्ते गोल गोल कल जो है वो चिकत्ते उत्पन्न होने लग जाते हैं। होता क्या है, जो मार्जिन्स हैं वो एक्टिव स्टेज जो रहती है इन चिकत्तों की, तो इसको हम अक्सर रिंग वर्म के नाम से जानते हैं। ये रिंग वर्म वर्म नहीं, वर्म इन्फेक्शन के कारण नहीं होता है, ये होता है फंगल इन्फेक्शन के कारण। होता क्या है कि इसके कारण जो है बहुत ज़्यादा रोगी को खारिश होने लग जाती है, वो इरिटेट रहने लग जाता है। और ये उत्पन्न किन रोगियों में होते हैं, किस मौसम में ऐसे रोगी हमें जो है अक्सर संपर्क करते हैं, और उनमें जो है कैसे चिकित्सा मॉडर्न मेडिसिन में बताई गई है, और आयुर्वेद में हम कैसे इन रोगियों को जो है ठीक करते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो फंगल इन्फेक्शन है या जिसको हम रिंग वर्म कहते हैं, या जो यीस्ट इन्फेक्शन है या कैंडिडियासिस है, उसको जो है इसका जो है मुख्यतः कारण जो है एक ही जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में मॉडर्न मेडिसिन में कहा गया है। इसको टीनिया नाम से जो है प्रचलित नाम से इसके साथ जो है जिस ऑर्गन में ये पाया जाता है वैसे ही नाम दिया जाता है, जैसे कि टीनिया कैपिटिस कहते हैं जब ये फंगल इन्फेक्शन सिर में हो रही हो, टीनिया फेशियलिस जब ये फेस के ऊपर हो रही हो, और ऐसे ही टीनिया कॉर्पोरिस जो है वो लेग्स में रह रही हो, पैरों में हो रही हो, तो टीनिया पेडिस के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें जो लक्षण वही रहते हैं, रैशेज उत्पन्न होते हैं, खारिश होती है रोगी को, बहुत ज़्यादा इरिटेशन जो है इससे रहने लग जाती। कई बार ये जो रैशेज रहते हैं ये बॉयल्स के रूप में या फफोलों के रूप में भी देखने को मिलते हैं। तो अक्सर जो है बहुत ज़्यादा जो डार्क कम्प्लेक्शन जो ह्यूमन बीइंग है या जो बहुत ज़्यादा काले लोग हैं उनमें ये जो चिकत्ते हैं ये अक्सर ब्राउन कलर के होते हैं, और जो बहुत फेयर हैं उनमें ये रेड कलर के देखे गए हैं। और अब इसके बारे में मैं चर्चा करूँगी कि इसके क्या कारण हैं। ये कारण है बेसिकली हमारा हॉट, बहुत ज़्यादा वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो लोग समुंदर के किनारे रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, जिनको कभी डायबिटीज़ की शिकायत रही हो, जो बहुत ज़्यादा मोटापे से ग्रसित हुए हों, जो कोई दवाइयाँ जो इम्यूनो सप्रेसेंट जब मेडिसिन जो ले रहे होते हैं, जैसे कि किडनी के रोगी कई बार जो है अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए दवाइयाँ ले रहे होते हैं, उनको ये समस्या अक्सर हो जाती है, या जिनको जिनकी शरीर में ऑलरेडी जो है रोग क्षमता जो है बीमारी के प्रति जो है वो कम होती है, उनको ये प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है। और कारण ये भी देखने को मिले हैं कि जो बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स पहनते हैं, बहुत एक दूसरे के जो है संपर्क में आकर एक दूसरे की पैंट शर्ट या कोई भी कपड़े, यहाँ तक कि सॉक्स का इस्तेमाल जब ये करते हैं तब ये परेशानी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ये भी देखा गया है कि जो बहुत नीचे जो नीचेतर वर्ग के जो लोग रहते हैं उनमें जो है एक ही कमरे में वो पूरी फैमिली जो है ये रह रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक पर्सन को फंगल इन्फेक्शन किसी कारण हो भी जाती है तो उनकी जो पूरी फैमिली जो है देखी गई है कि वो इन्वॉल्व हो जाती हो, क्योंकि ये बीमारी है 100% कॉन्टेजिनस है, और इतनी खतरनाक कॉन्टेजिनस है कि अगर इसको एक किसी एक जो बीमार है व्यक्ति उसके कपड़े जो है दूसरा स्वस्थ व्यक्ति पहन भी लेता है तो ये फंगल इन्फेक्शन उसको ट्रांसफर हो जाती है। फंगल ऐसा एक जीव है जो कि हमारी स्किन पर नॉर्मली रूप से जो है पाया ही जाता है। ये एक्चुअल में हमारे स्किन को हेल्दी रखता है, हमारी जो डेड टिश्यूज हैं, जो डेड सेल्स हैं उसको खा जाता है।
लेकिन जब इसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, एक अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती हैं, तभी खुद ही ग्रो होना शुरू हो जाता है, तभी ये लक्षण को उत्पन्न करता है। तो जब हम इसकी चिकित्सा करते हैं तो अक्सर जो है ऑइंटमेंट्स का प्रयोग करते हैं, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइडल बेस रहती हैं, उनका प्रयोग करने लग जाते हैं, कुछ स्प्रेज का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे पाउडर्स का प्रयोग करते हैं ताकि ये मॉइस्चर जो है वो उस जगह पर कम हो। तो लेकिन ये जो है ऐसा करने से जो है ये बीमारी दब जाती है, लेकिन जैसे ही उसको दोबारा से एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दोबारा से वही मिलते, गर्मी वैसे ही रहती है, गर्मी में जो रोग जो है रोगी जो है वो अपनी अगर हाइजीन का मेंटेन नहीं करते हैं, अपने आप को जो है अच्छे साफ सुथरे कपड़ों का नहीं सेवन करते हैं, नहीं पहनते हैं, तो फिर उनको ये समस्या बार बार होने लग जाती है। और फैमिली में अगर ये एक पर्सन को हो गई तो ये बार बार जो दूसरे से कॉन्टैक्ट होने पर ये उत्पन्न हो ही जाती हैं। तो इसमें जो मैंने बताया कि बेसिकली स्टीरॉयडल क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ एंटी फंगल मेडिसिंस खाने के लिए भी दी जाती है, लेकिन इससे जो है बीमारी थोड़ी देर तक के लिए सप्रेस हो जाती। होता क्या है, बार बार ऑइंटमेंट को लगाने के बाद जो है स्किन पतली होती जाती है, पतली होने के बाद ये जो है आगे दोबारा से जो है और ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी को, जैसे ही हमारी जो त्वचा है पतली हो गई है तो वो जल्दी कैच करती है इन्फेक्शन को, तो और ज़्यादा अगर जब दोबारा से स्टेरॉयडल क्रीम लगाने के बाद दोबारा से फंगल इन्फेक्शन जो उत्पन्न होती है वो ज़्यादा डेंजरस होती है, वो और ज़्यादा जो है मिली जुली चिकित्सा उसमें की जाती है। अब आयुर्वेद पक्ष को अगर समझेंगे तो इसमें हमारे ही घर में जो पाई जाने वाली औषधियाँ ऐसे फंगल इन्फेक्शन को जो है ठीक करने में बहुत ही उपयोगी मानी गई हैं, जिसमें कि नीम की पेस्ट, जो नीम की पत्ती है रहती है उसका पेस्ट अगर हम उस जगह पर आरंभिक अवस्था में कर देते हैं तो ये उसी जगह पर सप्रेस हो जाती है। हल्दी का प्रयोग हम कर सकते हैं। ऐसी औषधियां हैं आयुर्वेद में जैसे चक्रमर्द, जो कि बहुत ही आराम से आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएगी, उसका पेस्ट ही अगर आप जो है लस्सी में या नींबू के सोरस में लगाकर अगर आप उस जगह पर लगाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे ही मजिष्ठा रहता है, गंधक रसायन का रहता है, इसका लोकल एप्लीकेशन सरसों के तेल में या नारियल के तेल में अगर हम स्किन के ऊपर लगाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इससे त्वचा जो है वो खराब नहीं होती, उसमें कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो ये फंगल इन्फेक्शन है जो उत्पन्न हो गई है वो जो है धीरे धीरे ठीक होती जाती है। कुछ ऐसी औषधियों का सेवन करने के लिए भी दिया जाता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, और सेकेंडली जो हमारे शरीर में ये कफ जो बढ़ गया होता है उसको भी जो है ठीक करती है। इस तरह से हम आयुर्वेद को अपना कर इस बीमारी से जो है बिल्कुल निजात पा सकते हैं। अगर आपको किसी को भी दाद, खाद, खुजली जैसी समस्या है तो आप हमसे संपर्क करके भी इसका निदान जो है, इसकी जो है चिकित्सा करा सकते हैं। हमें जो है इसके जो टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी आप हमारे से ले सकते हैं। हमारे पंजाब में 4 सेंटर्स हैं, लेकिन जो स्किन के लिए स्पेशली मैं लुधियाना की ब्रांच जो डॉक्टर शारदा है उसमें बैठती हूँ, तो आप हमसे जब मर्जी इससे जो है संपर्क करके अपनी बीमारी से निजात प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।